हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक लैपटॉप आया है HP का DV Pavilion DV4। इसमें हम बात करते हैं प्रॉब्लम की। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें, जब हम इसको ऑन करते हैं इसमें ब्लू स्क्रीन एरर आ जाता है। ब्लू स्क्रीन देके फिजिकल मेमोरी डंप का एरर आ जाता है, वो देके ये मशीन बंद हो जाती है। यदि हम इसकी बात करते हैं आपकी कि इसका परफॉर्मेंस कैसा होता है, मशीन तो 10-12 साल पुरानी मशीन है, तो ये i3 फर्स्ट जनरेशन इसमें आया। वैसे ये ड्यूल कोर में आई है मशीन, पर जो ये मशीन हमारे पास है जिस कॉन्फ़िगरेशन में, वो i3 फर्स्ट जनरेशन, तो 12 साल पुरानी मशीन है। आज भी चलती है, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम देखते हैं, आपको इसको देखो। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो ये थोड़ी देर ऑन होने के बाद ब्लू स्क्रीन मार देती है। तो ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है ब्लू स्क्रीन की, ये हम बाद में बताएंगे। पहले हम इसके बारे में बताते हैं कि ये मशीन कैसी होती है। ये मशीन आज भी चलती है, जिसके पास है ये यूज होती है। ये चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आप इसमें वर्ड डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकते हैं, ऑनलाइन वगैरह कुछ सर्च कर सकते हैं। ये विंडो 7 पे सपोर्टेड होती है। यदि हम इसको विंडो 10 पे अपग्रेड करने के लिए हमें इसमें SSD लगानी पड़ेगी, तो हमारा विंडो 10 पे भी चल जाएगा। पर आजकल विंडो 7 पे भी हमारे नॉर्मल काम हो जाते हैं, जिस टाइप से हम वर्ड एक्सेल PDF का काम करते हैं, तो वो काम हो जाते हैं इस मशीन पे। ओवरऑल मिला के हम यदि बात करें तो ठीक चल जाती है ये मशीन है। वर्ड एक्सेल PDF काम के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, बेसिक काम के लिए। तो हम आप बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम की। तो इसमें प्रॉब्लम किस टाइप की आ रही है, प्रॉब्लम इसमें इस टाइप की आ रही है कि हमारा ब्लू स्क्रीन देके मशीन बंद हो जाती है। ब्लू स्क्रीन कई चीजों से आती है। पहली होती है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी विंडो में प्रॉब्लम हो, जब कोई बैड फैक्टर वगैरह होते हैं विंडोज में, तो उसकी वजह से भी हमारी मशीन ब्लू स्क्रीन दे देती है। दूसरी बात हम करें तो दूसरी बात आती है रैम की। रैम वगैरह जब हमारी खराब हो जाती है या रैम वगैरह पे मॉइस्चर वगैरह हो जाता है, रैम गंदी टाइप हो जाती है, उस वजह से भी हमारी इस लैपटॉप ब्लू स्क्रीन मारता है। तीसरा आता है जब हमारी हार्ड डिस्क खराब हो जाती है। हार्ड डिस्क में जब आपका मीडिया खराब हो जाता है तो उसकी वजह से भी हमारी मशीन में ब्लू स्क्रीन आ जाता है। तो ये कई चीजें होती हैं जिनकी वजह से ब्लू स्क्रीन आता है। फिर हम इनकी बात करें कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। पहला ये है कि हम इसमें आपका जो चाहे तो हम पहले इसमें विंडो वगैरह करके देख सकते हैं। विंडो वगैरह से भी ना हो तो फिर हम इसको, ये अब देखो हैंग हो गया, तो हैंग होकर अब ये ब्लू स्क्रीन मार देगा। तो अब बात करते हैं फिर हम उसकी आपकी कि इसमें रैम चेंज करके देख सकते हैं। रैम की साफ सुफ करके भी चल जाए तो ठीक है, नहीं तो रैम चेंज होगी। और फिर हमारा आता है हार्ड डिस्क, तो चेंज होती है, हार्ड डिस्क रिपेयर नहीं हो सकती, हार्ड डिस्क में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम जो आती हैं, ये सारी चीज़ें उसी से आती हैं जो हमारी मैंने आपको बताया है। ये 3-4 चीज़ों से इसका ब्लू स्क्रीन का प्रॉब्लम आता है। तो अभी आया नहीं है, जब आएगा तो हम इसका वीडियो ज़रूर आपको दिखाएंगे। पर जो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है मशीनों में, वो इन्हीं कारणों से आती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।